पर के फॉरेन ने एक स्टेटमेंट दिया है कि भाई अमेरिका भारत को फालतू में तंग कर रहा है और यहाँ तक कि बोल दिया कि साहब आप इलेक्शन में भी इंटरफेरेंस करने की कोशिश कर रहे हो ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरिंग इंफॉर्मेशन सो फार एनी evidence. evidence, As for the speculations, since there is no evidence, they are not acceptable. डॉक्टर जयशंकर ने जो अभी जो फरमाया बिल्कुल वही मैं बात करी थी जो हमेशा से हमारे साथ जो खड़ा रहा वो कंट्री जो है वो Uh, in Pan रशिया है और रशिया पे बहुत ज्यादा सेंशन लगाया गया उसके बावजूद इंडिया और रशिया के बीच बढ़ते हुए तिजारती तालुकात और इसके साथ ही इस सेरेमनी के अंदर भारत के ऑफिशियल भी पहुंचे लेकिन यूरोपियन यूनियन यूके और अमेरिका का कोई ऑफिशियल यहाँ पर नहीं पहुंचा रशिया के साथ उसके साथ अमेरिका के साथ भी से ही फिर में किसी कि एक में। तो कुछ है नहीं आप ऐसी भारत के पीछे पड़े रहते हो कि भाई पन्नू को ठोक दिया इसको ठोक दिया उसको ठोक दिया कभी कनाडा कुछ बोलता है कभी ये कुछ बोलता है कभी वो कुछ बोलता है व्हाट इज दिस नॉनसेंस यू आर यू आर यू नो यू आर अ वेरी कॉलोनियल सॉर्ट ऑफ माइंडसेट आपका माइंडसेट ही खराब है एंड आप जो है भारत के इंटरनल अफेयर्स के अंदर इंटरफेयर कर रहे हो विच इज नॉट विच इज नॉट ओके रशिया ने बोला कि साहब आपके पास एविडेंस एविडेंसिडेंस तो कुछ है नहीं आप ऐसी भारत के पीछे पड़े रहते हो कि भाई पन्नू को ठोक दिया इसको ठोक दिया उसको ठोक दिया कभी कनाडा कुछ बोलता है कभी ये कुछ बोलता है कभी वो कुछ बोलता है व्हाट इज इज नॉनसेंस यू आर यू आर यू नो यू आर अ वेरी कलोनियल सॉर्ट ऑफ अ माइंडसेट आपका माइंडसेट ही खराब है एंड आप जो है भारत के इंटरनल अफेयर्स के अंदर इंटरफेयर कर रहे हो विच इज नॉट विच इज नॉट ओके उसके बाद रशिया ने बोला कि साहब यू आर ट्राइंग टू डिस्टेबलाइज कंट्री ड्यूरिंग लोकसभा पोल्स साहब आप इलेक्शन चल रहा है उस टाइम पे ये सब आप कर रहे हो दैट मींस यू आर होली डूइंग दिस और आपका जो कॉलोनियल माइंडसेट है वो भारत का नेशनल जो माइंडसेट है और जो भारत जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो कभी नहीं समझ पाएगा ना आप समझते हो ना समझ सकते हो ना समझने की कोशिश भी करते हो उसके बाद उन्होंने बोला कि साहब भारत को आप रिस्पेक्ट नहीं करते हो बिकॉज इंडिया इज अ सिविलाइजेशनल पावर आप इस तरह से भारत को नहीं डील कर सकते बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी ओल्ड कंट्री आपको एक भारत को समझना चाहिए यू कैन नॉट बी टॉकिंग टू इंडिया द वे यूर डूइंग तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आई क्योंकि देखिए एक रशिया है भारत की बहुत पुरानी रिलेशनशिप है उसमें तो कोई उसमें तो कोई बात ही नहीं है एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट वी नो दैट ये ये रिलेशनशिप टाइम टेस्टेड है बहुत टाइम से चल रही है यू नो अर्ली में रशिया ने थोड़ा सा रोमांस करने की कोशिश करी थी पाकिस्तान के साथ जब उनको थोड़ा सा वेपन वन बेचे थे थोड़ा सा हेलीकॉप्टर बेचे थे बट वो वो जमाना और था आज का जमाना और है थिंग्स आर एक्चुअली मूविंग फॉरवर्ड एंड रशिया और भारत की रिलेशनशिप हैज बीन वेरी वेरी स्टेबल नाउ जरा इसको थोड़ा सा यू नो ब्रेक डाउन करके देखें भाई ये क्या हुआ है हुआ कुछ नहीं है रशिया को भी दिखता है कि यार भारत के ऊपर इस तरह से अटैक चल रहे हैं काफी हद तक ये तो धना धना दन, धन दन लगे हुए हैं तो उन्होंने एक स्टेटमेंट इसी चक्कर में दिया है भारत ने बोला उनको स्टेटमेंट देने के लिए नहीं बिल्कुल नहीं भारत की तरफ से क्यों कोई बोलेगा कि भाई आप हमारे लिए स्टेटमेंट दो हम लड़ नहीं पा रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है देर इज नथिंग ऑफ द सॉर्ट ठीक है सो वन ऑफ द थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड ये गेम है रियल पॉलिटिक की ठीक है यहां पर रशिया को पता है कि साहब इस टाइम पे भारत गुस्सा है भारत का थोड़ा सा गुस्सा ऊपर हो रखा है और अमेरिका जो उल्टे काम कर रहा है भारत को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा और भारत गुस्सा है यही अच्छा टाइम है भारत के साथ खड़े होने का और थोड़े से भारत को अपने साथ खींचने का याद करिए दो तीन चीजें हैं दो तीन फैक्टर्स हैं जो इसमें कंबाइन होती है जहां के आपको पता चलेगा कि यार ये रशा कर क्यों रहा है सबसे पहले देखिए रशिया और भारत की जो ऑयल ट्रेड है गुण गुण। भारत अपना मैक्सिमम ऑयल रशिया से ले रहा है और अभी से नहीं पिछले तो प्रॉब्लम आई थी बीच में जब रशिया ने बोला कि साहब भारत के ना रूपी हमारे पास बहुत सारे हो गए हम क्या करें हमको समझ में नहीं आ रहा है ये लावरोव ने आके थोड़ा खुले में बोल दिया था उसके बाद उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ वहां पर रशिया में भी थोड़े दो तीन मैसेजेस गए रशिया ने बोला हाँ जी हाँ जी हाँ जी नहीं 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 सब कुछ ठीक है सब कुछ ठीक है उसके बाद अभी रशिया ने करीब करीब नवंबर के अंदर एक ऑर्डर दिया है भारत को फॉर ट्वेंटी फोर रिवर सी क्लास कार्गो शिप्स विच नीड्स टू बी रेडी बाय ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन और ये चीज भारत और रशिया का एक कम्बाइंड एफर्ट रहेगा लेड बाय भारत शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री तो ये एक बड़ा चीज हुआ था इससे क्या हुआ था जितने भी रुपी सो कॉल्ड इकट्ठे हो रखे थे भारत में सॉरी रशिया में वो सारे यहां पर यूज हो गए ठीक है अभी फिर से वो थोड़े से रुपीज इकट्ठे हो रखे हैं तो भारत ने बोला यार आप एक काम करो आप एक कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट रखो भाई स्टॉक्स एंड सिक्योरिटीज के अंदर आप डालो आप यहाँ पर देखो दिस बूमिंग इकॉनमी आप करो यहाँ पर अभी न्यूज आई है भाई कल परसों में कि रशिया इज नाउ बाइंग इंडियन स्टॉक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और यहाँ पर भारत में उसने इन्वेस्टमेंट करनी काफी हद तक शुरू कर दी है तो भारत और रशिया की जो रिलेशनशिप है इट इज बीन वर्किंग एंड दोनों के यू नो फायदे में चल रही है ईरान के पीछे ईरान से थोड़ा फेवर कर रहा है। तो भारत ने जाके तेल उठाया है से। दो तीन चीजें हैं देखिए रशिया और अमेरिका की एंटेगनिस्ट्री को तो चल रही है तो उनको दिख रहा है कि यार इन दोनों के बीच में थोड़ी टेंशन है मैं जाके बीच में थोड़ा सा टिंग करूं तो मेरे को एक, एक आधा नंबर ऊपर मिल जाएगा और अमेरिका को भी लात मारने का एक तरीका मिल जाएगा। हमने हमने ना ना कुछ उनको बोला करने के लिए, ना हम भी कोई दिया है। तो उसके आगे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरी चीज है रशिया इज ऑल्सो बिकमिंग द प्रेजिडेंट ऑफ ब्रिक्स तो रशिया को चाहिए कि भाई भारत के साथ थोड़ी कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन हो आगे ब्रिक्स का मेरे को जो भी काम करना है वो आगे जरा हम लेके जा सके तीसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको समझनी चाहिए कि रशिया और चाइना के बीच में ना थोड़ी सी टेंशन चल चल रही रही है टेंशन रही है टेंशन जनवरी से जहां अमेरिका ने बोला है कि साहब चाइना की जो भी कंपनी अभी रशिया के साथ काम करेगी हम उसको ठोकेंगे आपको याद होगा अमेरिका ने एक इंडियन कंपनी को भी सैंक्शन करा और कोई चार पांच चाइनीज कंपनी को सेंशन करा और दो तीन चाइनीज बैंक को भी सैंक्शन करा भारत को फर्क नहीं पड़ा भारत ने बोला ठीक है यार जो तुमको करना है करते रहो हम अपना काम करते रहेंगे तो हम लोग लगे हुए हैं कोई टेंशन नहीं है

चाइना के शी जिनपिंग ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज पिछले दो तीन महीने से बोल रहा है भैया मैं तो अपने ट्रूप भेज रहा हूँ यूक्रेन के अंदर एज अ मैटर इतनी रिपोर्ट तक आई है फ्रांस का जो इंटरनेशनल है उनके कहीं ना कहीं तीन यूक्रेन के अंदर आए हैं आई कांट कंफर्म दिस बट ये कहीं ना कहीं खबर आई है

तो रशिया ने तीन एक ही स्टेटमेंट से तीन चार चीजों को एक साथ लात मारी है वन इज अमेरिका को एक मैसेज गया है कि देखो भाई ऐसा है आप अगर सोचते हो कि आप भारत को तंग कर लोगे और कोई भारत के साथ नहीं खड़ा होगा ऐसा नहीं है हम आपके साथ खड़े होंगे और आप देखिए अभी धीरे धीरे करके ग्लोबल साउथ से भी काफी स्टेटमेंट इधर उधर आने शुरू हो जाएंगे यू विल फाइंड दैट है भारत अभी रियल पॉलिटिक गेम खेलनी शुरू करेगा जयशंकर जी ने बोला था कि साहब दिस इज नॉट अ वन वे स्ट्रीट जब हमारा जवाब आएगा फिर रोना मत